भाई ब्राउंड खाली होना चाहिए, ये ग्राउंड खाली होना चाहिए। हाँ क्यों खाली होना चाहिए? क्यों खाली होना? आने जाने आदमी बाहर धूप में खड़े हो, गर्मी में छाया में खड़े हो ना, उसके सारा गो ट्रैक्शन ने। सरकार कहती है सबका विकास सबका साथ। सरकार अगर सबका विकास करना चाहती है तो हम दुकानदारों से क्या एलर्जी हो गई जो हमें उजाड़ना चाह रही है? ये तो छाया में बैठ जाए इसी न, छाया में आप बैठ जाओ, सो कस्टमर क्या करे धूप में खड़े हो सर, अब ब्राउंड किस लिए? पांच पांच बार तो इन्होंने पार्किंग के लिए डिसाइड कर ली, आज तक एक भी पार्किंग नहीं बनी है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं, और उपस्थित हूं कम्प्लेक्स जो अपने महेंद्रगढ़ शहर का जो हार्ट है, दिल है, उस जगह पर। ये ओपन वाले कॉम्प्लेक्स है, बाकी अन्य जो कॉम्प्लेक्स हैं जो अंदर जैसे छत भी जिसके पास है वो वाली जो कॉम्प्लेक्स उसके अंदर भी चलेंगे दाएं बाएं जो है। बाकी यहाँ पर जो है ना इनसे बातचीत करेंगे जो दुकानदार साथी हैं, क्योंकि यहाँ पर नोटिस चिपकाए गए हैं और वो नोटिस भी कहीं ना कहीं लग ही रहा होगा। बाकी आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, देखो मैं एक बार दिखाता हूँ नोटिस, ये लग रहा इस तरह के जो नोटिस है बाहर लगाए गए हैं अतिक्रमण हटाने को लेकर, कि जो है ना बरामदे जो हैं वो खाली कराए जाएंगे और साथ में जो आपके सामने जो अतिक्रमण है वो भी यहाँ से हटवाया जाएगा। नगर पालिका महेंद्रगढ़ के द्वारा इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, तो जल्द से जल्द अपना ये जो है ना सामान हटा लें और नगर पालिका कार्रवाई करेगी। बाकी यहाँ पर बहुत सारे दुकानदार साथी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इन सभी से करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। हाँ जी, राम राम जी। नमस्कार शमशेर जी। जी बताएं, यहाँ अभी नोटिस लगा दिए गए हैं बरामदे खाली करवाने के? हाँ सर, बरामदे खाली करने के नोटिस लगाए गए हैं, और मेरा मानना तो ये है कि ये नोटिस लगाकर जो नगर पालिका को काम करने चाहिए उस मुद्दे से पब्लिक को भटकाना चाह रही है। आप मेन रोड पे देखो, कहीं कोई रोड नहीं है, और कॉम्प्लेक्स के अंदर की बातें हैं तो कॉम्प्लेक्स कोई मेन हाईवे नहीं है। कॉम्प्लेक्स के अंदर 30-30 फीट के, 24-24, 25-25 फीट के रास्ते हैं, आम रास्ते। तो मैं तो ये कहता हूँ कि पब्लिक जो है ऑन व्हीकल आती है, पैदल चलने वाले कितने लोग हैं, ऑन व्हीकल वाले 24 फीट के रास्ते को या 30 फीट के रास्ते को छोड़कर वो 6 फीट की गैलरी के अंदर घूमेंगे क्या? और अब ये तो ऑन रिकॉर्ड इनके पास भी है, लेकिन ये देना नहीं चाहते हमें। ऑन रिकॉर्ड में ब्राउंडे जो हैं वो हम दुकानदारों के हैं। अच्छा, ये 9x10 की दुकान है जी। अच्छा अच्छा, 9x10 की है जी, 9x10 की दुकान है। अंदर की जो साइज, अगर इन दुकानों में ब्राउंडे छोड़ के अगर बैठना चाहें तो आप खुद देखो, इनमें सिर्फ पान की दुकानें चल सकती है कि भाई कोई पान बेच लिया, बाकी कोई दुकानदार इसमें बैठ के काम नहीं कर सकता। अंदर की तरफ भी चल रही दुकान। मैं तो मानता हूँ सरकार कहती है सबका विकास सबका साथ। सरकार अगर सबका विकास करना चाहती है तो हम दुकानदारों से क्या एलर्जी हो गई जो हमें उजाड़ना चाह रही है? सरकार कहती है सबका विकास सबका साथ। सरकार अगर सबका विकास करना चाहती है तो हम दुकानदारों से क्या एलर्जी हो गई जो हमें उजाड़ना चाह रही है? नहीं तो ब्राउंडे खाली करो, ये करो। पांच पांच बार तो इन्होंने पार्किंग के लिए डिसाइड कर ली, आज तक एक भी पार्किंग नहीं बनी है, हैं? आज तक एक भी पार्किंग नहीं बनी है। तो उनका जो काम करने का है वो काम तो वो कर नहीं रहे, और उन मुद्दों को छोड़ के और दुकानदारों के पास आके इन्हें ही वो कहते हैं अगर भाई आप ही खाली करो और आप ही वो करो। अरे दुकानदार तो खाली भी कर देंगे, लेकिन दुकान का किराया देते हैं, बरामदे का तो किराया देते नहीं ना। देखो ऐसा है, हमारे जब अपने बंदरू साहब थे यहाँ पर तो उनसे ये कहा गया था, अरे बरामदे समेत ही किराया दे रहे हैं, बरामदे समेत ही किराया है हमारा। अच्छा, ना कि खाली दुकान दुकान का किराया। पर स्क्वायर फीट या पर गज ऐसा कुछ बोलते हैं वो किराया दुकान का? सर जैसे देखो, हम तो उस टाइम हाजिर नहीं थे, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग दुकानदार हैं वो ये बताते हैं कि जिस टाइम किराया निर्धारित किया गया था उस टाइम फीता घेर के विद ब्राउंडा किराया निर्धारित किया गया था, तब लोगों ने कहा कि सर ब्राउंडे का किराया, तो उन्होंने ये कहा ब्राउंडा यूज भी तो आप ही को करना है और ब्राउंडे का किराया आपको देना होगा। अच्छा अच्छा, बात करें यहाँ की जैसे सुविधाएं जो है वो किस हिसाब से? सुविधाएं सर देखते हैं भाई, ठीक है कुछ एक लोगों के किराए बाकी बोलते हैं कि भाई किराया उस फलाने का, बाकी हमारा किराया कम्प्लीट है। अच्छा। हम देते हैं सर्विस टैक्स देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता वो सर्विस टैक्स होता क्या है, किस चीज़ का टैक्स है, कौन सी सर्विस हमें मिल रही है। सिविर क्लियर है बिल्कुल? हाँ हमारा किराया क्लियर है, अंकल का किराया क्लियर है, मेरा किराया क्लियर है, ये साहब बैठे इनका किराया क्लियर है, शर्मा जी का किराया, हमारी गली का लगभग सभी का किराया क्लियर है। और सर्विस टैक्स का मतलब होता है कि हमें कोई सुविधा पानी की या कोई सार्वजनिक पानी
अगर यहाँ कोई चलता आदमी आ जाए और हम टंकियाँ ना रखें तो पीने के लिए कोई पानी नहीं है। बाथरूम है अभी बने हैं, ये भी आप लोगों के मतलब प्रयास से। और सीवर लाइन जो है सारी ठप है, लाइटें हैं, आप एक भी इस पूरे कॉम्प्लेक्स में अगर नगर पालिका का एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट, इतने बड़े कॉम्प्लेक्स में सिंगल पॉइंट अगर स्ट्रीट लाइट का कोई जलता हो तो मेरा सर और उनकी जूती। अच्छा, मतलब लाइट भी नहीं है यहाँ पर। सर्विस टैक्स होता है क्या, हमें पता नहीं, पर लेते हैं, हमसे लेते हैं सर्विस टैक्स, जीएसटी टैक्स भी ले रहे हैं, दोनों चीज ले रहे हैं, दोनों चीजें हमारे ऊपर लगा रखी है और दोनों चीज हमारे से ले रहे हैं। आज से इतने साल पहले ये चौबारे दुकानों के ऊपर बने थे, किसी ने तो अपने पैसे पूरे भर रखे हैं, किसी ने नहीं भर रखे। कुछ लोगों के नाम जिन्होंने पैसे भरे थे, इन्होंने टेंडर कर दिए, उन टेंडरों के बारे में हमें नहीं पता चला। मैंने 75,000 रुपये भरवाए थे, 75,000 रुपये पूरे भर रखे हैं। आज चेयरमैन भगत सिंह भी रह लिया, वीरेंद्र भी रह लिया, बंटी भी रह लिया, और अब ये चली, इतने साल से मेरे 75,000 रुपये का मुझे 5 पैसा भी वापस रिफंड नहीं हुआ है। और मेरे से मतलब ये कहते हैं कि इल्लीगल चौबारे भी हैं यहाँ पर, नहीं इल्लीगल जिनके होंगे उनके होंगे, लेकिन हमारे को तो पास किए गए थे, और हमारे को पास करने के बाद हमारे से कहा गया था कि भाई आप रिफंड कर देंगे, नहीं नहीं आप अपने पैसे जिनको बनाओ और 75,000 रुपये हमारे पास जमा करवाओ। उन 75,000 रुपये को हम जो सिस्टम बनेगा उसके हिसाब से आपको रिफंड कर देंगे। अच्छा। लेकिन आज तक 5 पैसे भी नहीं मिले हैं। अब आपने किराया हर महीने भर रहे हैं, किराया पीछे से लगा के जब चौबारा मनाया था जब से लगा के 60-65,000 रुपये जितने भी बनते हैं, लेकिन उसकी सर्विस टैक्स और जीएसटी टैक्स दोनों लगा के 1,38,000 कुछ रुपए मेरे से भरवा लिए, और मेरे 75,000 रुपए का आज तक भी जिक्र नहीं। अब माननीय पंचकुला से डायरेक्टर साहब आए थे 3 दिन पहले, उनके सामने भी ये बात रखी गई थी, तो अब ये क्या कार्रवाई। अब वो खिल्लूराम है, उसने कह दिया कि भाई टेंडर हो गए थे, तो टेंडर दुकानदार तो नहीं करते, टेंडर आप करते हो, जिनके नाम टेंडर किए थे उनको पैसे मिल गए। यहाँ सेठ रतनलाल है, वो पैसे लेने के लिए गया ठेकेदार से, उनका झगड़ा हुआ और झगड़े होकर फिर वो पैसे मिले उनको, और कुछ लोगों को मिल गए, कुछ सारे के सारे यूँ पड़े हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल कि जैसे यहाँ पहले भी नोटिस लगे हैं बरामदे खाली करने को लेकर, अतिक्रमण हटाने को लेकर, इस बार भी फिर से लगे हैं, कितना सीरियस लेते हैं? सीरियस का बात ये है जी, तो आप पहले देखो, तो ये नहीं गए क्योंकि पहले तो बरामदे से बाहर कोई अतिक्रमण है नहीं जी, और बरामदा बहुत हमारी मजबूरी है बरामदे में बैठ। नहीं, हम तो ये कहते हैं या अगर मान लो बार बार ऐसा इनको फील होता है और मतलब दिक्कत आती है, तो यहाँ अपने एक आदमी की ड्यूटी लगा दें और जो भी करता है उसका चालान काटें, सामान को अंदर रखवाएं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बरामदे से बाहर कोई निकलता है हाँ करो, क्या दिक्कत है? नहीं भाई, देखो बार बार समझाने के बाद अगर मैं नहीं मानता हूँ तो मैं क्या करूँगा, फिर मेरा तो होगा ही, जो सरकार का काम है वो सरकार करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सब आप लोग मुझे कुछ कहना चाहिए? तो यहाँ हम कम्प्लेक्स के अंदर मौजूद थे और अच्छा जो है ना जो सिस्टम है, आज ही कुछ कह रहे थे भाई बरामदा खाली होना चाहिए, ये बरामदा खाली होना चाहिए। हाँ, क्यों खाली होना चाहिए? क्यों खाली होना, आने जाने आदमी बाहर धूप में खड़े हुआ, गर्मी में छाया में खड़े हो ना, उसके सारा गो ट्रैवसन ने। अच्छा, अब बाइक सब नुई खड़ी रही थी धूप में, कस्टमर खड़े हो रहे, ये तो छाया में बैठ जाए, इसी न छाया में आप बैठ जाओ, सो कस्टमर क्या करे धूप में खड़े हो रहे सर, अब ब्राउंड किस लिए, आप छाया के लिए है ना, दुकानदार है। हाँ, आप कस्टमर है? हाँ, कहाँ से हो? मैं भांडेरुच्ची से जी। ये एक जो है ना कस्टमर है, और आम कस्टमर के लिए ये जो है ना बरामदा बनाया गया था जिसके अंदर जो है आवाजाही हो सके, लोग आवाजाही कर सकें और ख़रीदारी कर सकें, दुकानदार जो है दुकान के अंदर बैठे, लेकिन जब यहाँ पर आते तो असुविधा होती है। यहाँ पर असुविधा है ही, अब मान लो कोई भी किसी को बीमार पेशेंट भी आ जाता है सामान लेने के लिए, अच्छा भी आए बुरा भी आए, तो धूप में थोड़ी खड़ा रहेगा, इन्होंने तो सारा कब्जा लिया इसे ब्रांडे को भी, कोई भी आओ धूप में खड़ा रहो। चलिए ठीक है, तो यहाँ जो है ना दोनों तरह की बातें, दुकानदार कह रहे हैं कि हमारी दुकान छोटी है तो हमें बरामदा में अपना सामान रखना मजबूरी है, और अतिक्रमण को लेकर जो है ना नोटिस इनकी नगर पालिका की तरफ से जारी कर दिया गया है। बाकी यहाँ पर ऐसे ही घूमते फिरते ये जो कस्टमर आए, इन्होंने कहा कि जो यहाँ बरामदे हों खाली होने चाहिए, क्यों? क्योंकि आमजन जो है उसके लिए बनाए गए थे, ताकि आमजन जो है ना छाया के अंदर बरामदे के अंदर घूमते फिरते शॉपिंग कर सके। बाकी आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और अब की बार कार्रवाई होगी या नहीं होगी
बरामदे खाली करवाने की, इसके बारे में भी लिखी। क्या अब की बार भी जैसे पीछे जो है पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी के पास जाने के पश्चात ये कार्रवाई रुक गई थी, तो क्या अब की बार भी रुक पाएगी? आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।